फिल्मी दुनिया वालों ने गीत गाया है कि हंसा हुआ बचपन है बहका हुआ मौसम है। और भाई साहब ने लिखा है क्रांति जी और बड़ा चमकीले पेन से लिखा है। आपने लिखा है क्रांति जी, मैं आपका कार्यक्रम बहुत समय से भैया बाबू पांडे जी के समय से देखता आ रहा हूँ और आप अति विशिष्ट हैं मेरे ग्रह में। आपके आगमन पर आप आती हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। आपका कार्यक्रम YouTube पर देखा करते हैं और बहुत प्रसिद्ध है आपका कार्यक्रम, लोग सराहते हैं। एक फरमाइश भी आपने लिखी है, रंग महल के 10 दरवाजे। इस गीत को आपने कहीं सुना होगा तो भाई साहब ने कहा कि आप अपना वो गीत सुना दीजिएगा। बिल्कुल सुना देंगे भैया। और ये आप लोगों का ही प्यार है जो आप लोग न जाने कितने वर्षों से अपने सराहों पर हम लोगों को बिठाते हैं, पर ना हम लोग क्या है कुछ भी नहीं है। हार्दिक धन्यवाद दे रहे हैं भाई साहब को। सुनिए सुनिए, आइए गीत मेरी तरफ से सुनिए। के शोरियों में भोला आए फूलों का सवार और उसमें फिर मिला दी जाए थोड़ी सी शराब तो होगा जो नशायो तैयार हो ताकि चार चार चैनल चल रहे हैं, इस पर गाना आ जाए पुरस्कार बाद में बोल देंगे। और गीत में व्यवधान भी नहीं पड़ता, सुनने वाले बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। तो भाई साहब थोड़ा सा क्षमा करिएगा, गीत पूरा हो जाए। पर्चा आपका बहुत बड़ा है और खर्चा भी बहुत सारा है, तो दोनों के लिए धन्यवाद है। लेकिन गीत सुन लीजिए पहले। सुन मैं कह रही हूँ यहाँ के क्षेत्र में जवानी कीर्तन का बड़ा प्रेत है, बड़ा महत्व है। बच्चा बच्चा यहाँ आप कीर्तन समझता है तो कुछ बहुत समझाने की आवश्यकता नहीं। हमारी माताएं बहनें भी सुने, जिस समय एक बार तीन लोग भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच गए और देखिए वो तीन हैं कौन कौन के देव तन जवा मानो सनमुख शिव शंकर रे Thank you.
भर के कहने लगे के मानस प्रभु दे दीजिए, ये मानस प्रभु दे दीजिए, तीनों में विभाजित करके तीनों को बांट दीजिए। भोलेनाथ ने बांटना शुरू किया 100 करोड़ श्लोक में, प्रत्येक को 33,35,333 श्लोक दे दिए। अब जब दे दिए तो केवल 32 अक्षर बचे, एक अनुष्टुप छंद बचा, उन तीनों ने कहा प्रभु इसका भी बंटवारा कर दीजिए, तो भगवान ने तीनों को फिर 10-10 अक्षर दे दिए। अब देखिए कि 2 बच गए, और जब 2 बच गए तो तीनों ने कहा प्रभु इसको भी आने दो, प्रभु ने कहा इसको आने नहीं दो, इसको जाने दो। वो है क्या क्या तो देव तनुजवा मानो सन्मुख शिव शंकर के, तो मानस प्रभु दे दिए, तीनों में विभाजित कर रे, तो बांटा है बांटा है और मानस को बांटा है, तो बांटने से बच गया जो सार को संसार। दो अक्षर के बीच में माया एक लाठी का जोड़। हिसाब से नोट करिएगा और आशा ही नहीं विश्वास जवाब बहुत अच्छा आएगा। के दो अक्षर के बीच में माया एक लाठी का जोड़, और ब्रह्म जीव के बीच में पाया फिर माया का तोड़, वही राम है। पहले राम है, वही तो अक्षर भोलेनाथ ने नहीं दिए राम, और वही राम नाम पान पत्र पर लिखकर जहर को पी लिया, भोलेनाथ नजर हमारा विनाशी हो गए, नीलकंठ हो गए। और बड़े गौर से सुनिएगा, बस गीत में जोर तोड़ चल रहा है, जोर तोड़ बाबूलाल लिया। एक बार देवता चाहते हैं कि राम और जानकी का विवाह करा दिया जाए, और इस स्वयंवर में दोनों हैं कैसे, कि शक्तिमान है राम तो सीता उनकी शक्ति, शक्तिमान है राम तो सीता उनकी शक्ति, और शक्तिमान की शक्ति तो दूर नहीं रह सकती। काटा है काटा है के विपदा को काटा है, देख करके सुखी सकल संसार को मिला सार है। अब देवता सोच रहे हैं के दोनों में लगाया जाए गठबंधन ना दोनों की शादी करा दी जाए, के दोनों में लगाया जाए गठबंधन ना जोड़, तो गठबंधन ने खातिर दिया धनुष राम ने तो लगाया जाए गठबंधन का जोड़, तो गठबंधन ने खातिर दिया धनुष राम ने तोड़, तो अब जोड़ तोड़ से बना जो पावन नाम, के जोड़ तोड़ से बना जो पावन नाम सीता। दोनों में लगाया जाए गठबंधन का जोड़, और देखिए ये पावन नाम सीता राम है, और सीता राम का विवाह
यानी राम सीता का विवाह हुआ, लेकिन सीता का नाम पहले लिंग है, क्योंकि महारावण का वध माता जानकी ने जब कर दिया तो भगवान श्री राम ने वरदान दे दिया कि जाओ सीता, आज के बाद लोग पहले तुम्हारा नाम लेंगे, बाद में मेरा नाम लेंगे। तो सीता राम है, राम सीता नहीं, सीता राम, सीता राम नारी का नाम पहले। अब एक कथाना और सुनिए, सुनिए। राम पाना चाहे हो, तुम्हारा भी कोई जोर नहीं। भाई साहब, मैं निवेदन कर रही हूँ, कहानी को जरूर सुनिएगा और हमारी माताएं बहनें ही सुनेंगे। एक नारी है, इस नारी का नाम है चंद्रसेना। चंद्रसेना भगवान राम को बड़ा प्रेम करती है। उसने एक बार हनुमान जी को देखा तो उसने कहा, हनुमान अगर आप चाह ले तो मैं चाहती हूँ कि एक रात के लिए मेरे कक्ष में राम जी आ जाए और मेरे साथ एक रात भी बिता ले, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा कि हे देवी, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी, लेकिन शर्त केवल इतनी है, मंटू भी आप सुने, शर्त केवल इतनी है कि जिस चारपाई पर तुम राम जी को बिठाओगी, अगर वो चारपाई टूट गई तो राम जी वापस चले जाएंगे, रुकेंगे नहीं। उस नारी ने कहा ठीक है। हनुमान जी समझ गए कि कहीं ऐसा ना हो भगवान श्री राम रात भर यही रह जाए, तो हनुमान जी ने चालाकी की, उन्होंने उन्हें भौरों को सिखाया और राम जी जब उनके यहाँ पहुंचे तो वो भौरों ने जाकर पार्टी चारपाई की पार्टी को खोखला लग दिया। जब खोखला लग दिया तो हुआ क्या, कथा को समझते रहिए कि राम को पाना चाहे नारी चंद्रसेना, पलंग खोला पर री है भवरों की सेना, पलंग खोला पर री भवरों की वो सेना, तो पाता है भगवान श्री राम जाने लगे तो वो नारी रोने लगी। उसने कहा प्रभु, मैं आपको बहुत प्रेम करती हूँ, आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं। भगवान ने कहा कि हे देवी, पहली बात तो मैं एक पत्नी व्रतधारी हूँ, मेरी पत्नी सीता है, और दूसरी बात ये कि तेरे आगाज प्रेम को देखकर मैं तुझे ये वरदान देता हूँ कि जाओ, आज के बाद तेरे नाम के साथ मेरा नाम जुड़ जाएगा। मेरा नाम है राम और तुम्हारा नाम है चंद्रसेना, तो तुम्हारे चंद्रसेना का चंद्र मैं अपने नाम में जोड़ लेता हूँ, आज से मैं राम चंद्र कहलाऊंगा। गाने में पहले केवल राम है, फिर एक नारी आगे आ गई सीता राम है, अब एक नारी पीछे लग रही है राम चंद्र, तो एक नारी पीछे है। सुनिए, पाता है, पाता है दूरियों को पाता है, पाप में से मिल गया आसार तो मिला सार है, तो श्री राम ने चंद्र को लिया स्वयं नाम में जोड़ने से पहले दी है पलंग की पाटी तो बस गाने में जोड़ जोड़ चल रहा चल रहा। श्री राम ने चंद्र को लिया स्वयं नाम में जोड़, और जोड़ने से पहले दी है पलंग
बनन की पाटी छोड़ो तो छोड़ छोड़ से रामचंद्र सुख धाम, छोड़ छोड़ से रामचंद्र सुख धाम पावन नाम है तो अक्षर रे अरे हंसता हुआ बचपन है बेटा हुआ मौसम है शादी का आनंद है बहन की वाला जी अरे तो अक्षर के बीच में अरे की लाठी का जो ब्रह्म जीव के बीच में पाया माया का है तो मिला करके बात आ रही है कि जब तीन पहुंचे और तीन पहुंचे और मानव मानस को हमें दे दीजिए सब कुछ करते करते बंटवारा करते करते अंत में आया केवल राम
और तमाम कथाना लाते हैं। आ जाइए भाई भाई क्रांति माला जी। निवेदन कर रहा हूं हमारे रचनाकार बहन क्रांति जी के साथ जो लिख रहे हैं, हमारे आदित्य भैया ध्यान चाहूंगा। अरे जहां चेहरे की ज्वाला जग को जला रही है, समुद्र मंथन हुआ निकले रत्नों के साथ हलाहल जहर निकला, और वो जहर की ज्वाला जहां जहर की ज्वाला जग को जला रही है, और शिव ने पिया हलाहल तो शिव को सदा। अरे शिव ने पिया हलाहल तो शिव को सता रही है। बहन क्रांति माला कारण है हमारे बड़े बड़े विद्वान विराजमान है, सभी का ध्यान चाहूंगा कि शिव ने पिया हलाहल तो शिव को सता रही है। कारण है निवारण है कि निवारण है, सब कुछ किया लेकिन फिर भी वो ज्वाला शांत नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। तो मन में जो कीड़ा, मन में जो कीड़ा विचार तो मिला सार है। वाल्मीकि आए रामायण लाए, आपने बात की है मानस की, बंटवारा करते करते उसमें आखिर में बचा रहा। मन में जो पीला है पीला मिला सार है, क्यों अरे रहे मनाते सदा सदा चोरिया सदा से जोड़। राहुल भैया रहे मनाते सदा सदा से लिया सदा से जोड़, और तो अक्षर में पाया शिव ने कठिन गरल का तोड़। जो तोड़ चलाया है तो अक्षर में पाया शिव ने कठिन गरल का तोड़, लिखा तो मिला ज्वाला शांत नहीं हुई। लेकिन जब भगवान भोलेनाथ के कंठ में लिखा गया, लिखा तो मिला है वो राम है, राम लिख दिया भगवान भोलेनाथ की ज्वाला तुरंत शांत हो गई। हेलो 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 हेलो
प्रिया सदा से जोड़। क्या एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं, भगवान राम कहते हैं कि मेरे स्वामी शिव हैं और शिव कहते हैं कि मेरे स्वामी राम। रहे मनाते सदा सदा शिव लिया सदा से जोर, और तो अक्षर में पाया शिव ने कठिन गरल का तो लिखा तो मिला है आला राम है। रहे मनाते सदा सदा शिव दूसरा जोड़ा इधर बात वही चल रही है, चूंकि आखिरी में निकल रहा है राम। अरे करुण कृपाली कल्याणी से कौतुक कभी न जाए, भगवान भगवान की लीला देखिए। महाबली बजरंग बली महाराज माता जानकी जी के सामने बैठे हैं, माता सीता भोजन करा रही है। करुण कृपाली कल्याणी से कौतुक कपी रचा, फिर भी हनुमान जी माता सीता परोसती जा रही है, हनुमान जी खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। माता सीता सोच में पड़ गई, हमें लगता है अब कुछ भी नहीं बचाएंगे, हनुमान को आज धो दिया गया है। फिर भी सुत ना खाए, तब ध्यान कर माता जानकी जी, ध्यान कर मान कर मन में चरणों में मिल के संसार मिला सार है, और भोजन कर जाते कटवर नहीं है जिनका जोड़, भोजन कर जाते कटवर नहीं है जिनका जोड़, और तुलसी दल में राम लिखा तो पाया उसका तो, तुलसी दल में राम लिखा तो पाया उसका तो। माता जानकी जब परेशान हो गई खिलाते खिलाते, सोचा क्या किया जाए, एक तुलसी दल लिया उसमें ले लिया राम और खिला दिया, बस वही हनुमान जी की भूख शांत हो गई। और तुलसी दल में राम लिखा तो पाया उसका तो, अरे लिख के खिलाया बनाता वही राम है, लिख के खिलाया बनाता वो राम है। अरे रही खिलाती नवर को जो नहीं है,
ये कोई संसार में है। अरे अपने नाम के अक्षर को चौगुण तूने किया, किसी का भी नाम हो। अब मैं मसीह के नाम को तो नहीं जानता, जैसे मेरा ही नाम है बाबूलाल, चार अक्षर। अरे अपने नाम के अक्षर को चौगुण तूने किया है, और पांच तत्व को छोड़ा, ये नर तन प्रभु ने दिया। चार अक्षर है, दो गुण तूने किया है, यानी चौगुना कर दीजिए, अपने नाम के अक्षर को चौगुन तूने किया है, यानी चार अक्षर है, चार चौको 16, और पांच तत्व, पांच तत्व से रचित शरीरा छिप जल पावक गगन समीरा, ये पांच तत्व जोड़ा नर्तन हरि ने दिया। उसमें मैं पांच तत्वों से शरीर निर्मित है, उनको जोड़ दीजिए तो यानी चार चौको 16 और पांच 21। अरे तो गुण करके उसका निर्णय जो आ जाए, तो गुण करके उसका निर्णय जो आ जाए, 21 उसको तू दोगुना कर दिया तो हो गया 42। और इस मन में अवगुण 8 प्रकार के होते हैं। अरे सारे सकल सृष्टि का भाग 8 जोड़ा, धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए, क्योंकि मेरे कहने से पहले ये हमारे विद्वान समझ गए हैं। अवगुण 8 प्रकार के होते हैं, अगर इनका आधा भाग दे दिया जाए, ध्यान कर, भैया थोड़ा चाटी कमजोर पड़े, चाटी को देख लीजिए, ध्यान कर मान कर मत तू कुमान कर, जीवन से जाए त्योहार मिले सार है, क्यों क्यों आत्मा परमात्मा का मिला सदा से जो, आत्मा परमात्मा का मिला सदा से जो, राम रमाले मन में अपने नहीं है जिसका तो, राम रमाले मन में अपने नहीं है जिसका तो, रटता जग अभिला, अरे रटता रहे जो अभिराम वो राम है। अपने नाम के अक्षर को चौगुण तूने किया है, पांच चक्र को जोड़ा, ये नर्तन हरि ने दिया है, पांच यानी 21 को दुगुना कर दीजिए हो जाएगा 42, और जब अवगुण 8 प्रकार के होते हैं उसका भाग दे दिया जाए तो 8×45 शेष बचेगा। तो जग में रहे जो अभिरा वो राम है, जग में रहे जो अभिरा वो राम है,
तो अपने नाम पे अचल कुछ ये माया का जंजाल है। अगर सत्य है और सार है तो वो है केवल राम। अरे जग में हे जग में रहे जो अभिराम वो राम है वो राम ये प्रयास था मेरी माला जी आपके सुंदर से गीत का और कुछ आशीर्वाद प्राप्त हुए।